अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपना व्हाट्सएप बैन अकाउंट उसको रीओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपना व्हाट्सएप ओपन करता हूँ और यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके अपना व्हाट्सएप जो बैन हो चुका है व्हाट्सएप की तरफ से, हम उस पर व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको उस नंबर को दोबारा एंटर करता हूँ। तो मैंने अपना नंबर लिखा है और नेक्स्ट कर दिया है। तो अभी यहाँ पर शो कर रहा है कि योर फ़ोन नंबर इज़ बैन फ्रॉम व्हाट्सएप, और उसके बाद मैंने सपोर्ट पर क्लिक किया। तो इस आपके पास कुछ इस तरह का मेन्यू शो होगा, डिस्क्राइब योर प्रॉब्लम। तो आपने यहाँ पर लिखना है सॉरी सर, माई व्हाट्सएप नंबर बैंड फ्रॉम व्हाट्सएप सर्विसेज, प्लीज रीओपन माई व्हाट्सएप अकाउंट नंबर इसके अलावा आप कुछ भी नीचे ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से भी, और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का मेन्यू शो होगा जिसमें आपसे ये कुछ सवाल पूछेगा, मींस कि आपका प्रॉब्लम क्या है। तो अगर आप यहाँ पर किसी पर ना ही भी क्लिक करते तो एक लास्ट में ऑप्शन शो हो रहा होगा, सबसे लास्ट में आपने उस पर क्लिक करना है। और तो जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो एक मेल कंपोज हो जाती है, और ये मेल आपके जीमेल से व्हाट्सएप वालों को सेंड होना होती है। तो ये आप देख रहे हैं ऊपर के राइट साइड पर थ्री डॉट्स के साथ एक एरो का निशान है ब्लू कलर में, इसको सेंड बटन भी कहते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये मेल सेंड हो जाएगी व्हाट्सएप वालों को। तो अभी मैंने इस पर क्लिक भी किया है तो ये कुछ देर के बाद मेल जो है सेंड हो जाएगी और आपके जीमेल में सेंड आइटम में शो भी होना शुरू हो जाएगी, और उसके बाद व्हाट्सएप की वालों की तरफ से आपको एक मेल भी मौसूल हो जाएगा कि आप कितनी देर तक अपना व्हाट्सएप नंबर दोबारा यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।